हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे मूंगफली की चटनी, जिसे आप इडली, डोसा, वड़ा, इनफैक्ट रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इसके लिए मैंने लिया एक कटोरी मूंगफली। उसके अलावा ये है भुना हुआ चना दाल, रोस्टेड चना दाल, ये है 1/4 कटोरी। और ये है कुछ हरी मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्च है, कुछ लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। और तड़का लगाने के लिए सरसों, जीरा, सूखी लाल मिर्च, करिया पत्ती और थोड़ा सा तेल है। तो सबसे पहले मैंने रखा है पैन, अब इसमें मैं डाल रही हूँ मूंगफली। मूंगफली डालकर मीडियम हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भुनना है, हो सके तो धीमी आंच पे ही इसे भुनना है। धीमी आंच पे भुनेंगे तो ये अंदर तक भुनेगा और इसकी चटनी बहुत अच्छी रहेगी। अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल कर सेम इसी पैन में मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमें सूखा भुनना है, बिना तेल डाले ऐसे, बस इसका कच्चापन जाना चाहिए उतना ही हमें भुनना है। अब इसको भी मैं निकाल रही हूँ प्लेट में। अब मूंगफली को अच्छे से ठंडा करके उसका छिलका निकालना है। छिलका निकाल कर फिर उसके बाद हम इसकी चटनी बनाएंगे। इसकी चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब मैंने मूंगफली का छिलका निकाल लिया है, इसको मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। मिक्सी के जार में डालकर अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और भुना हुआ चना दाल। अदरक हमें ज़्यादा नहीं डालना है और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालकर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको एकदम चिकना ग्राइंड कर लिया। पानी आप कंसिस्टेंसी आपको जैसे चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी डालना। अगर आप पतला चाहते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल देना और गाढ़ा चाहते हो तो थोड़ा कम पानी। अब मैं इसको निकाल रही हूँ सर्विंग बाउल में। सर्विंग बाउल में निकाल कर अभी मैंने एक और पैन रखा है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल डालकर, ऑयल जैसे गर्म हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों। सरसों डालकर फिर मैं डालूंगी जीरा। अब वन बाय वन मैं तड़के की सारी चीज़ें इसमें डालूंगी। अगर आपको चटनी में खट्टापन पसंद है तो थोड़े से इमली को कुनकुने पानी में भिगो देना और ग्राइंड करते समय उसको डाल देना, या फिर आपको और भी इसको फ्लेवर देना है तो ग्राइंड करते समय आप पुदीना या फिर धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हो। बट मैं बेसिक मूंगफली की चटनी बता रही हूँ, इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों को ऐड नहीं किया है। अब तड़का बन के रेडी है, मैं इसको डाल रही हूँ चटनी के ऊपर। ये चटनी की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, मतलब आप जिस दिन बनाओगे उसी दिन इसे यूज़ कर लेना। अब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मूंगफली की चटनी बनके रेडी है, आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।